तो कुछ बंदे हैं, पता कुछ बंदे क्या ही बोलूंगा, सीधा मैं आपको बताऊं यार, आलिम लोग हैं जो वो हमें फोन करके ओपनली थ्रेट्स दे रहे हैं। जो लड़के गालियां नकार रहे थे मैं सब सुन रही थी। मैंने अपने बच्चों को ऐसा नहीं सिखाया किसी को गाली निकालो। वो लड़के सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल B6 के ब्लॉग। आज की ना कोई भी वीडियो नहीं होने वाली आपको बताओ गाइस। कल ना हमने अपने चैनल पे, जो दूसरा हमारा चैनल है ना, बैकअप चैनल B6 के बॉयज, उस चैनल पे गाइस हमने ना कल एक वीडियो डाली थी। हमने ना ऐसे रैंडमली हम जा रहे थे, हमारे मन में कुछ भी वीडियो आ गई, तो हम क्या किया वहाँ पे बोल के कुछ भी डाल दिया। तो वो ना कुछ क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर गया, पता नहीं उसमें क्या था, हमने ना किसी को गाली दी ना कुछ किया। तो कुछ बंदे हैं, पता कुछ बंदे क्या ही बोलूंगा, सीधा मैं आपको बताऊं यार, आलिम ब्लॉग इन जो वो हमें फोन करके ओपनली थ्रेट्स दे रहे हैं, और यासिर चौधरी ना वो सीधा हमें फोन करके ओपनली गालियां दे रहे हैं। मतलब पीछे से यासिर भाई भी पीछे से गालियां दे रहे थे, अब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहे थे, माँ बहन की गालियां दे रहे थे। चलो माँ बहन की गालियां दे, चलो वहां, चलो ये नहीं बोलता कि ठीक है लेकिन गलत है, लेकिन सीने के चलो दी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मम्मा बैठे हुए थे, जैसे वो हमें फोन करते हैं वैसे ही मम्मा के सामने वो गाली देने शुरू हो जाते हैं, एंड मेरी मम्मा वहाँ पे शर्मिंदा हो जाती है, इसकी मम्मा शर्मिंदा हो जाती है। वहीं पे हम गाइस ना सोए हुए थे, पता कौन से टाइम हमें कॉल आई, मैं आपको बता दूं, लगभग 11-12 बजे के करीब हम सोए हुए थे। तो हमें कॉल आती है तो मम्मा बोलती है देखो किसकी कॉल आई है, तो वहाँ पे हम नंबर सेव नहीं था। जैसे हमने फोन उठाया ना, तो फोन उठाते साथ ही हमें गालियां देने शुरू हो गए, माँ बहन की गालियां देने शुरू हो गए। तो मम्मा वहाँ पे कुछ बोलने वाले थे, तो मैंने मम्मा को चुप करवा दिया। अब तो मम्मा पूछते हैं कौन है ये, तो सिस्टर पास बैठी हुई थी, उसने बता दिया कि उन्हें पता वीडियो देखते रहते, वो उनने बता दिया कि ये आलिम ब्लॉग है। तो वहाँ पे मम्मा हमारी बहुत ज्यादा एंग्री हो गई, हमें बोला कि आप वीडियो बनाना छोड़ दो, आपको ये थ्रेट दे रहे हैं, कहीं जाओगे जम्मू में जाओगे आपको मार देंगे। हम तो यही चीज कहते हैं, अगर हमें इतनी गंदी गंदी थ्रेट्स दी है, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग पड़ रखी है, अगर हमें रूट पर, तो हम रिकॉर्डिंग भी डालेंगे क्योंकि हमें मारने का थ्रेट दिया गया है। अगर कल कुछ हमें कुछ भी होता है, अगर हम दोनों में से किसी कोई बंदे को कोई भी मारता है, हमें सारी जिम्मेदारी आलिम ब्लॉग्स की है, यासिर चौधरी की है। अगर कोई भी हमें कल कोई हिट कर देता है, क्या कोई हमें कहीं जम्मू वाली साइड जाते हैं, अगर कल कोई हमें कोई मारता है, तो सारी जिम्मेदारी आलिम ब्लॉग्स की होगी। कोई भी अगर रजौरी पुंछ से देख रहा है यार, हमें ना सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कल कोई हमें कोई भी मार देता है, हमें ना आलिम ब्लॉग्स थ्रेट दे रहा, ओपनली थ्रेट, चलो बात चलो थ्रेट दी तो ठीक है। आगे यासिर भाई फोन कर रहे थे और पीछे हमने बोला, यासिर भाई बोलते हैं वीडियो क्यों ऐसे डाली है, हमने कोई पैरोडी वीडियो निकाली थी, हमने कोई रोस्ट वीडियो नहीं निकाली थी, जो आलिम ब्लॉग करते हैं हमने वही डाली थी। बाकी गाइस अगर आपको लगता है ना कि हमने वीडियो में कुछ गलत बोला होगा, तभी आलिम ब्लॉग ने ऐसा बोला, आप ना हमारे B6 के बॉयज वाले चैनल पे जाके वीडियो भी पूरी चेकआउट कर सकते हो। हमने ना बस आलिम ब्लॉग की पैरोडी की थी, जो आलिम ब्लॉग करते हैं वही हमने कॉपी की थी। चलो कल कोई अगर कैरी मिनाटी आलिम ब्लॉग को रोस्ट कर देता है या हर्ष बनीवाल रोस्ट कर देता है, कल ये उसको भी कॉल करेंगे, हेलो हर्ष भाई, यासिर हेलो, हेलो हर्ष भाई, हेलो कैरी भाई, यार ये आलिम ब्लॉग के ऊपर वीडियो मत बनाना, बाकी सबके ऊपर वीडियो बनाना क्यों? अगर यूट्यूब में आयो तो इतना तो दम रखना चाहिए कि अगर आगे वाला रोस्ट निकाल रहा है तो उसको इग्नोर करो, उसको अप्रिशिएट करो। एलवी शादव और मैक्सन की जब फाइट हुई, हर्ष बेनीवाल ने उनके ऊपर पैरोडी वीडियो निकाली, लास्ट में एलवी शादव और मैक्सन ने खुद उनको अप्रिशिएट किया कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा जैसी वीडियो बनाई। पूरे जम्मू के क्रिएटर क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी हम इनके ऊपर रोस्ट वीडियो निकाल देते हैं तो ये हमें फोन करके कॉल बोलते हैं इस चीज को रिमूव करो, हम स्ट्राइक मार देंगे, हमें ओपनली धमकी देते हैं कि तुम मेरे को यहाँ पे जम्मू में मिलना था तेरे को। हमारे पास गाइस पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, हमने पूरी रिकॉर्डिंग करके रखी है क्योंकि कल को हमें कोई भी अगर कोई मार के चला जाता है, अगर जरूर पड़ते हो हम वो रिकॉर्डिंग भी डालेंगे क्योंकि क्योंकि हम बहुत ज्यादा डर गए। बाकी क्या होता है, कोई क्रिएटर जब ग्रो करता है ना, वहाँ पे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो ना अप्रिशिएट करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, यहाँ पे ग्रो हो। ये जम्मू के क्रिएटर गालियां देने स्टार्ट हो जाता है कि माँ बहन की गाली देने स्टार्ट हो जाते हैं, ये अप्रिशिएट नहीं करते, ये माँ बहन की गाली देने स्टार्ट होते हैं। इतना बड़ा क्रिएटर यार, इतना बड़ा ऑनलाइन ब्लॉग्स इतना बड़ा क्रिएटर, वो माँ बहन की गालियां देने शुरू हो गया, वो भी कॉल के ऊपर। इतना तक नहीं सोचा कि कोई बंदा किसे रिकॉर्ड कर रहा होगा, और हमने रिकॉर्ड की भी है, रिकॉर्ड की भी है क्योंकि अगर इन फ्यूचर हमें कोई जरूरत पड़ी ना हम रिकॉर्डिंग डालेंगे। हम ऐसे बंदे नहीं है कि किसी क्रिएटर को डीफेम करने के लिए रिकॉर्डिंग उसी टाइम हम डाल दें। हमारे आलियान भाई आज भी भाई है, लेकिन हम इसी नहीं कि हमें ये वीडियो डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि कल कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो भी अगर कोई बाहर से भी देख रहा है, कोई रजौरी पुंछ से देख रहा है, सारे ये हमारी बात याद रखना, अगर कल कोई कुछ हमें कुछ भी होता है सारी जिम्मेदारी आलियान ब्लॉग्स की होगी, यासिर चौधरी ब्लॉग्स की होगी। पहले हमने आलियान ब्लॉग की वीडियो देखी थी, अपनी वीडियो में ये भी बोल रहे थे कि उंगल जड़ा करता उन्हें गिफ्ट देते बां बलिए, और ये भी बोल रहे थे कि इन बंदूक की औकात ना मेरे जूतों के बराबर है। हमें तो पता चल गया था, हमारे बारे में बोला, लेकिन हमने ये सोचा था ये ना मजाक में बोल रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने फोन करके लाइव हमें धमकी दी मारने की, और ये बोला कि मैं आपको घर से उठा लूंगा, और उसके बाद माँ बहन की गालियां भी दिया, और पीछे से आलियान ब्लॉग, हमने जैसे यासिर भाई बात कर रहे थे, मैंने बोला आप आलियान ब्लॉग को फोन दो, हम खुद उनसे बातचीत करते हैं इस वीडियो के बारे में, इस पैरोडी वीडियो के बारे में। पीछे से आलियान ब्लॉग बोले तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ बात करने की, तुम मेरे
हेल के बराबर हो। इतनी गंदी चीजें रिकॉर्डिंग की ना इस फोन में हमने ये चीज रखी हुई है, अगर जरूरत पड़े तो हम ये चीज डालेंगे, लेकिन हम ये चीज कभी करने वाले नहीं। हम कभी ऐसे दोगला बंद नहीं करते कि किसी की रिकॉर्डिंग उठा के डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। हम कल भी एक वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन ना हम अपने चैनल पे अपडेट्स वाली वीडियो डालने वाले थे, आज भी डालने वाले थे, लेकिन क्या हुआ जब इन्होंने ओपनली थ्रेट्स दिए हमें, ये बात ना हमें पर्सनली बहुत ही ज्यादा हर्ट की। इस चीज ये जो बात इन्होंने हमें बोली ना बहुत ही ज्यादा हमें हर्ट हुआ, और तभी हमने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा। जो इन्होंने माँ की गाली दी है ना, अगर आप वो चीज सुन लो ना आप उधर ही शर्मिंदा हो जाए। आर्यन ब्लॉग ने और यासिर भाई ने हमें क्या गाली दी, और लोग क्या ये आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जब उनकी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। आपको पता होगा अरमान राइडर की, उन्होंने क्या ये आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी। हम आपको रिकॉर्डिंग सुना देना, हमारे पास पड़ी हुई है, अगर हम आपको रिकॉर्डिंग सुना ये रिकॉर्डिंग है इसमें आपको ऐसे मतलब लगाऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा थोड़ी सी सुनाता हूँ आपको, देखना क्या बोलते हैं। मैंने वो जो हिलता है वो नहीं पर दूसरा हम नहीं सुनाएंगे गाइस, किसी को डीफेम नहीं करते हम गाइस, किसी को डीफेम नहीं करना चाहते यार हम। देखो हम ये नहीं कि हम किसी बंदे की रिकॉर्डिंग डाल देंगे। इन्होंने माँ की गाली दी, इतनी गंदी गाली दी इस फोन में ना, ऐसी चीज पड़ी हुई ना जो आलन लॉन्ग ने ऐसी चीज बोली है ना, एक मतलब डीफेम हो जाएगा कोई भी इसको, मतलब सारे ये जो कैमरे के आगे दिखते हैं ना गाइस ये होते नहीं है कैमरे के आगे, खाली ये मिठे बनते हैं। हेलो गाइस ये मेरे सब्सक्राइबर है, ये खाली कैमरे के आगे मिठे बनते हैं। हम रजौरी पुलिस वाले हैं ना, हम मुंह के आगे भी वैसे ही है, पीछे भी वैसे ही है, और हम कभी ऐसे धोखेबाजी। देखो जब ऑडियंस अपने ऑडियंस जब किसी देखो देखती है ना क्रिएटर को, वो भी चाहती है कि हम भी इसी की तरह बने, और हमने भी ना देख के इनको स्टार्ट किया था कि हम भी इनकी तरह बने, लेकिन जब हम ग्रो कर रहे हैं ये हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और उल्टा तो ये बोल रहे हैं कि हम आपके चैनल को स्ट्राइक मारेंगे, आपका चैनल उठ जाएगा। बाकी गाइस मैंने ना आपको अपने बैकअप चैनल के बारे में भी बताया हुआ है, तो जिस बंदे ने वहां पे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वहां पे भी जाके सब्सक्राइब कर लो। जानू भाई से मैंने रात को बात की, जानू भाई ने उन्होंने ये बताया कि यार जो तुमको अच्छा लगता है तो मेरे पर जितनी मर्जी वीडियो बनाओ, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। उनको पता है वो इतने मैच्योर हैं कि रोस्टिंग वीडियो से भी उनको भी कुछ फेम मिलती है, ये नहीं कि रोस्ट वीडियो से उनको भी थोड़ा एंटरटेन होता बंदा। ये धीरू मोचिक देखो, कैरी मीनाटी देखो, हर्ष बेनीवाल देखो, जो रोस्ट वीडियो निकालते हैं, अगर इन्हीं को फोन थ्रेट्स आने शुरू हो जाए तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे। ये बताऊंगे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी सिर्फ अच्छाई बताई जाए, हमारी बुराई जो हो रही है वो ना बताई जाए। क्यों हम इक्वल चलेंगे? बहुत से बंदों को ना पता नहीं कि हम कहां रहते हैं। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं सुंदरबनी रहते हैं, कोई सोचते हैं नुशहरा रहते हैं, कोई बोलता है कालाकोट रहते हैं। हम बताते हैं हम ना रजौरी सिटी के रहने वाले हैं, मतलब प्रॉपर रजौरी के रहने वाले हैं, और ये हमारी वीडियो हर एक इंसान तक पहुंचाना, ताकि कल अगर कुछ भी हमें हो जाता है तो जिम्मेदारी आलेन ब्लॉग की होगी। हमें ये बोला गया कि तू जम्मू आके मिल, तेरे को मैं बताता हूँ, तेरे को इंसान बनाता हूँ, ऐसे बोला गया हमें। बाकी आपको पता होगा जीनत ब्लॉग ने भी काफी बार इनको एक्सपोज वीडियो बनाई है, लेकिन क्या पता वो कैसी कैसी लालच वो देते हैं, वापस वो उनकी वीडियो में चले जाते हैं। बाकी कल से वापस से न्यूज वीडियो आएंगी, न्यूज वीडियो आएंगी और प्लस रोस्ट वीडियो आएंगी। हम खदने तरीके से रोस्ट करेंगे, ये नहीं कि किसी की गलत चीज पे ले जाएंगे, जैसे कैरी मीनाटी जैसे बड़े बड़े जैसे क्रिएटर्स करते हैं, हम वैसे ही रोस्ट करेंगे, प्यारा प्यारा रोस्ट करेंगे। कोई क्रिएटर फोन कर रहा है यार, बात करने का कुछ ढंग होता है, फोन करने के बाद उल्टा आप गालियां देने शुरू हो जाओ। इतना बड़ा क्रिएटर, मतलब हम तो उनके सब्सक्राइबर हैं, हम सोचेंगे कि हमारे से प्यार से बात करेंगे, इतना बड़ा क्रिएटर वो फोन करने के बाद गालियां देना शुरू हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। बाकी गाइस अभी ना हमारी मम्मा भी गाइस हमें वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे कि आप वीडियो मत बनाओ। कल जब लड़के गालियां नकार रहे थे तो मैं सुन रही थी, कल हमारे बच्चों को कुछ भी हुआ वो लड़के जिम्मेवार है। मैंने मना भी किया था वीडियो ना बनाओ आप। हमारी मम्मा मना भी कर रहे हैं कि आप वीडियो बनाना छोड़ दो। तो अगर बाकी देख लो यार, मम्मा ने सब कुछ सुन लिया था जब वो गालियां दे रहे थे, क्योंकि रात का टाइम था, हम सो रहे थे सभी बैठ के, तो मम्मा भी पास थे, तो जैसे ही फोन उठाया तो आगे गालियां देना शुरू हो गए, तो मम्मा ने सब कुछ सुन लिया, तो मम्मा हमें वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं। बाकी आप भी बताना यार हमें वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इतने बड़ा क्रिएटर हो के हमें धमकियां देने शुरू हो गए, हम क्या ही करें। जो लड़के गालियां नकार रहे थे मैं सब सुन रही थी, मैंने अपने बच्चों को ऐसा नहीं सिखाया किसी को गाली निकालो। वो लड़के माँ बहन से गालियां नकार रहे थे, क्या उन्होंने माँ बाप ने यही सिखाया हुआ है बच्चों को गालियां निकालो? उनकी माँ बहन नहीं है।